नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर गौरी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आगरा थाना शाहगंज क्षेत्र में लव जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर दूसरे समुदाय के युवक पर नाबालिग युवती सहित लाखों रुपए के जेवरात नकदी लेकर फरार होने का मामला सामने आया है। आरोप है कि नाबालिग को फंसाने के लिए युवक ने फेसबुक पर राहुल नाम से फेक आईडी बनाया था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। शाम को कल 19 तारीख की शाम को 6 बजे करीब मेरी लड़की गली में टहल रही थी तो दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मेरी लड़की को दवाई का पत्ता दे करके चले गए। रात को 11 बजे तीन कप चाय बनाई जिसमें एक मैंने पी, एक मेरी बिटिया ने पी, एक चाय उठा के रख दी भाई के लिए। तो भाई ने चाय पी नहीं तो उठा के रख दी, मेरे को पीते ही तुरंत नींद आ गई। झांसी के मुरानीपुर में बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे युवक का पैसों से भरा बैग दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से चोरी कर लिया गया। वही जब पीड़ित ने अपना बैग गायब देखा तो उसके होश उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। क्या नाम है चाचा आपका? आपके साथ क्या घटना हो गई है? पंजाब बैंक से हम 1.5 लाख रुपया निकाल के लिए आए और यहाँ भारत सेठ की किराने की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी गई और थोड़ी सौदा लेने लगे हम, और इसमें झूला में रखे थे रुपया 1.5 लाख रुपया। तो पीछे से एकदम से आया चोर और उसने एकदम से झूला निकाल के और सीधा मंडी। बाराबंकी के बीबीपुर स्थित प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर में अज्ञात चोरों द्वारा दुर्गा माँ की प्रतिमा से आभूषण चोरी कर लिए गए। वहीं सफाई के दौरान मंदिर में एक युवक को संदिग्ध डिब्बा दिखा जिसमें सारे आभूषण रखे थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इसके बाद बाहर गए तो मैं घर पहुंचा, उसके बाद मेरा फोन आया कि असले बंदी थे असाइन से जा रहे थे। इसके बाद आज मास्टर जी मिल गए मुझे भी नीचे बाहर, तो पूछने के कैसे क्या हुआ, सबने बताया, उसको बताया इसी से बात है। हम लोग उससे बात आप कहीं रहते रोड पे, उतनी देर फोन आया मेरे भाई बड़े भैया पास कि सामान मिल गया। हम लोग फिर दौड़ के मंदिर आए, मंदिर आने के बाद जो हमारा जो उत्तर वाला गेट है उस गेट के पास जिस साइड में पन्नी पड़ी थी जो सफाई कर नहीं पा रहा था। झांसी में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने उपनिदेशक मत्स्य कार्यालय पंचतंत्र पार्क में आयोजित मत्स्य क्रेडिट कार्ड मेले में सम्मिलित होने वाले मत्स्य पालकों मत्स्य व्यवसायियों से संवाद किया, साथ ही उन्हें मछली संपदा योजना से लाभान्वित करने के निर्देश दिए। बिजनौर के नूरपुर में सालों पुराने अतिक्रमण पर प्रशासन का चाबुक चला। नगर के मछली बाजार के पास बने अवैध दुकानों को प्रशासन ने बुलडोजर लगाकर साफ करा दिया, जिससे बाजार में अतिक्रमण की समस्या से निजात मिलेगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कहा गया था कि जितना भी 586 जो सड़क है अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नूरपुर के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आती है, इससे जितना भी अवैध अतिक्रमण है उसे हटाने के लिए निर्देशित किया गया था। आज माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का जो था उसका अनुपालन करवाया गया। धन्यवाद। झांसी के बबीना रेलवे स्टेशन पर युवक का शव मिला। परिजनों की माने तो युवक इस बार 12वीं की परीक्षा में फेल हो गया था। वो दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह युवक बाजार जाने की बात बोलकर निकला था। फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि युवक ने खुदकुशी की है या वो गलती से ट्रेन की चपेट में आ गया। दुग्ध एवं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह आगरा पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मंत्री धर्मपाल सिंह ने पिछले सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम तो पुरानी सरकारों के पाप धोने का काम कर रहे हैं, आज की जो स्थिति है पहले की सरकारों की देन है। उन्होंने विपक्ष के गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमें गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में सैकड़ों ग्रामीणों ने घनी आबादी के बीच मोबाइल कंपनी के टावर लगाने का विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर टावर को गांव के बाहर नहीं लगाया गया तो वो अपने मकान बेचकर गांव छोड़कर चले जाएंगे। इस बारे में अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं मगर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हरदोई के कोतवाली देहात इलाके में नहर में नहाने गए दो दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।